नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और मैं हूं विशाल कौशल। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा जी, और आम बजट को लेकर प्रदेश में चर्चाएं गर्म हो रही हैं और कल अधिकारियों के साथ पार्षदों की मीटिंग हुई जिसमें थोड़ी बहुत कश्मकश भी हुई, और अब ये फैसला किया गया है कि हर वार्ड को 2 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। सर, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कई सारे वार्ड्स आते हैं, और क्या लगता है कि 2 करोड़ का जो बजट है उससे ये मुमकिन है कि सभी जितने भी वार्ड्स हैं उन सबका विकास हो सकेगा? साहब, पहली बात तो ये है, कल नगर निगम ने 2600 करोड़ का बजट पेश किया जी। 40 वार्ड है नगर निगम के अंदर, 2 करोड़ के हिसाब से तो 80 करोड़ हो गए, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? हालांकि वो बजट कुछ भी नहीं था, आंकड़ों की एक बाजीगरी थी। मैंने कल सदन में भी बोला कि आपने 2600 करोड़ का बजट बनाया है जो कि एक्चुअल में सिर्फ 1180 करोड़ का ही है, क्योंकि उसमें बहुत से पैसे ऐसे थे, ग्रांट, अनुदान, मुख्यमंत्री घोषणा, तो पिछले साल तो कोई मुख्यमंत्री घोषणा का पैसा नहीं आया, आगे कैसे आ जाए? रही बात ग्रांट और भारत सरकार के पैसे आने की, स्वच्छ भारत मिशन में हमारा तकरीबन 40-50 करोड़ रुपया आता है, ODF का हमारा सर्टिफिकेट खत्म हो गया, जो पैसा आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपोजिशन MLA, अब तो जो भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा की महापौर महोदया हैं, वो कह रही हैं सरेआम के भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने तो कल बजट में एक सुझाव और दिया था कि आप इस भ्रष्टाचार का भी एक कॉलम रख दीजिए कि भाई 100 रुपये आएगा, 50 रुपये तो भ्रष्टाचार में जाना ही जाना है, कम से कम हम 50 रुपये की प्लानिंग तो कर लें। हम दिमाग में इस मगालते में रह जाते हैं कि साहब 100 रुपया आएगा और हमने 100 रुपया खर्च करना है, 100 की प्लानिंग करनी है, क्योंकि 50 तो आपने खाने खाने, तो हम 50 के हिसाब से ही चले। दूसरा, कल एक बार में बजट सेशन में भी कहना रह गया कि वार्डों के साथ भेदभाव भी हो रहा है, एक दो वार्डों में तो सारा नगर निगम का बजट लग रहा है, बाकी 38 वार्डों के अंदर आप गहनता से जाएंगे, खासतौर से मेरी विधानसभा में ट्रैक्टर ट्रोली करने, सीवेज साफ करने के लिए, और मेरी विधानसभा में कितने शर्म की बात थी, मैंने कल ये कहा भी, मैंने साहब हम एक तरफ को 2600 करोड़ का बजट पास कर रहे हैं और एक सीवेज साफ करने की फंटी मारनी है तो उसके लिए मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ रहा है। मतलब आज हम लोग मेट्रो सिटीज के नजदीक हैं, NCR हैं, NCT के पार्ट हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि बगल में दिल्ली है, क्या वहां सीवेज साफ करने के लिए पार्षद या MLA के घर जाना पड़ता है, या फिर वो कंप्लेंट सेंटर में जाना पड़ता है? ये सब काम आटो के हैं। जो नगर निगम इतना पैसा लेके जनता को ये भी सुविधा ना दे पाए कि हम उसको सीवरेज मुक्त कर देंगे, सीवरेज की सफाइयां कर देंगे, तो नगर निगम से हम लोग किस चीज का बढ़ावा करते हैं? और मैंने पूरा आंकड़ा एक एक चीज डिटेल में बता दी थी कि आप ये फिक्टिशियस फिगर्स हटा दें तो आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं जिसमें से 52 रुपये आप सिर्फ तनख्वाह के और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे हैं, और किसी भी घर के अंदर 100 रुपये में से 52 रुपये आप घर के अंदर कर्मचारी रखने में खर्च करोगे, 48 रुपये के अंदर वो घर सुचारू रूप से नहीं चल सकता, जनता हमेशा परेशान रहेगी रहेगी। सर, 2500 करोड़ का बजट वैसे पास हो चुका है, लेकिन जो 24 गांव हैं जिनको नगर निगम में शामिल किया गया था उन पर कोई बात ही नहीं हो रही है, और उनसे बल्कि उनकी जमीन भी ली गई है नगर निगम द्वारा, उस पर आपकी क्या? खाली इन 24 गांवों का मुद्दा नहीं जी, उन गांवों पे खर्चा भी तो होगा जी, कमाई भी होगी, उनके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है? इस साल चुनाव होने हैं, चुनाव में सरकार का भी खर्च होता है, उसका कोई पूरा नहीं था उसके अंदर। सर, 24 गांव जो नगर निगम में शामिल होने वाले हैं और हो भी चुके हैं, उन सब पर आम बजट में कोई बात नहीं की गई है, और 300 करोड़ की ज़मीन उन गांवों से ले भी ली है नगर निगम ने, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, जो पुराने गांव लिए हैं वो आज भी खस्ता हालात में हैं जी। आप गोंची में चले जाइए, वार्ड 1 है, बड़वाली मस्जिद का एरिया है, आज 20-25 साल हो गए, पहले सीवरेज नहीं थी, अभी सीवरेज डली है, लोग तरस रहे हैं, दयनीय स्थिति जी रहे हैं। गाँवों का तो है ही ये मसला, ना तो ये बजट में इंक्लूड किया कि उस पैसा आएगा, ना बजट में ये इंक्लूड किया कि उन गांवों के लिए आप क्या करेंगे, नए आप एक्शन रखेंगे, नए SDO रखेंगे, JEE रखेंगे, नए वार्ड बनाएंगे, शहर से थोड़ी दूर हैं वहां के लोगों को आप कैसे सुविधा देंगे, कोई आपको नगर निगम का नया दफ्तर खोलना पड़ेगा, या वो लोग इतनी दूर दूर आएंगे सीकरी से नगर निगम मुख्यालय 25-25 किलोमीटर लोगों को आना पड़ेगा। उसके साथ साथ
उन्होंने बोला कि जी हमारा क्लोजिंग बैलेंस 80 करोड़ रुपया होगा। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि आपका 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस 80 करोड़ रुपया होगा? इसका मतलब आपने फ्रीज कर लिया कि आपको 80 करोड़ अपने खाते में रखना ही रखना है। क्या नगर निगम के सारे कर्जे खत्म हो गए? क्या नगर निगम ने सारे ठेकेदारों की पेमेंटें कर दी? इवन देन बीच में हमें ये भी बड़ी शर्म आती है कहते में कि नगर निगम का मुलाजिम रिटायर हो जाता है, वो अपने रिटायरमेंट के पैसे के लिए हमसे सिफारिश कराता है, जबकि नहीं होने चाहिए ये सब काम। जी मैंने 60 साल नगर निगम में नौकरी करी है, मैं रिटायर हो रहा हूँ। जिस दिन मैं रिटायर हो रहा हूँ मेरे को मेरा रिटायरमेंट का पैसा बाइज्जत उसी दिन मिलना चाहिए। जी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इस चीज़ के लिए भी सिफारिश की जरूरत है नगर निगम के अंदर। पता नहीं क्या अकाउंटिंग का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। उसके बाद टचवुड मैंने तो आज तक सिफारिश नहीं करी, चाहे कोई पार्षद हो या कोई और जनप्रतिनिधि हो, वो जाके कहते हैं जी ठेकेदारों की पेमेंट करा दो, ठेकेदारों की पेमेंट करा दो। क्या ये काम हम जनप्रतिनिधियों का है? ठेकेदार हमारा काम है कि जो ठेकेदार काम कर रहा है वो गुणवत्ता से हो जी, अच्छा हो, जिस चीज़ का सरकार ने पैसा दिया है वो चीज़ मौके पे लगे। ये तो हम जनप्रतिनिधियों का काम समझ में आता है, क्योंकि वो ठेकेदार ब्लैकमेल करते हैं जनप्रतिनिधियों को कि जी हम काम कहाँ से करें, हमारा पेमेंट नहीं मिली, हम काम कहाँ से करें, हमारी पेमेंट नहीं मिली। जनप्रतिनिधियों पे प्रेशर होता है कि साहब नहीं मेरी गली आज ही बनवाओ, मेरे यहाँ शादी है, मेरे यहाँ फलाना काम है, मेरे यहाँ ढिमकाना काम है। तो मैं समझता हूँ कि आज आधुनिक युग है, और अगर जो वास्तव में नगर निगम के लोग, अच्छा कल बजट भी पास कर दिया, किसी पार्षद ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब दे आल आर सेटिस्फाइड। फिर क्यों पूरे साल आप लोग रोते रहते हो जी काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे? कल आपके पास वो दिन था, वो समय था, वो ताकत थी कि आप उस बजट पे बात करते। आप कम से कम भले ही एक पार्षद खड़े होकर कहता कि साहब मैं विरोध में हूँ, मेरे हिसाब से मेरे वार्ड के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं तो वोट डाल नहीं सकता उस हाउस के अंदर, मैं तो डेजिग्नेटेड मेंबर हूँ, आई एम नॉट इलेक्टेड मेंबर। पर किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर साल भर जनता के आगे रोते रहेंगे कि जी फलाना नहीं काम होने दे रहा, ढिमकाना नहीं काम होने दे रहा। असली ताकत जो जनप्रतिनिधि की हम लोग अपनी समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर अब विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो क्या एज एन विपक्ष जो बजट बनेगा उस पर विपक्ष की क्या राय रहेगी और आपकी क्या राय है? देखिए साहब, मैंने बजट को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे सुझाव मांगे थे जी। मैंने अपने सुझाव भेज दिए हैं जी। पिछले विधानसभा में भी 3 दिन का हमारा फिजिकल सेशन हुआ था 17, 18, 19 फरवरी को जी। तो काफ़ी सुझाव दिए थे, कोरोना के चक्कर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, पर मुख्यमंत्री जी ने माने। जब तक बजट मेरे हाथ में नहीं आ जाए, मैं बजट नहीं पढ़ लूँ, जो मैंने मेरी विधानसभा के लिए मुख्य मांग रखी है इस बजट के अंदर कि जो ये गुड़गांवा से फरीदाबाद तक मेट्रो जा रही है, बजट में इसके पैसे का प्रावधान किया जाए, इसके लिए अलग से पैसा रखा जाए। अगर जो मुख्यमंत्री जी मेरी बात मान लेते हैं तो बहुत अच्छा तोहफा है हमारी विधानसभा के लिए। प्याली चौक के लिए हम लोग दोबारा DPR बना ही रहे हैं, और हमने अपने वार्डों की समस्याएं रखी हैं, एक स्कूल के अपग्रेड की बात रखी है जी। और भी कई चीज़ें रखी हैं, सारी मुझे फ्रंट याद नहीं है, कागज़ हैं मेरे पास सारे जी, जी। वो मैं बजट देखने के बाद ही उस पर कुछ कह पाऊँगा। क्या लगता है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने बजट पास किया और उसके बाद से ही ईंधन की जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली गई, तो क्या हरियाणा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो तेल की कीमत कम है वो अभी हरियाणा में है, तो क्या हमारा जो हरियाणा का बजट होगा उसके बाद क्या यहाँ की ईंधन की तेल की जो कीमतें हैं उससे जो टैक्स वसूलना है सरकार को, तो क्या हरियाणा सरकार भी वो टैक्स वसूलेगी जनता से? दोहरा वसूलना तो नहीं चाहिए जी। बाकी भैया निरंकुश शासन है, कुछ कह भी नहीं सकते, सबका आपस में कंपटीशन है, 100 पार कब करो 100 पार कब करो। और मैं कभी कभी व्हाट्सएप पे बड़े नदानी से मैसेज भी देखता हूँ लोगों को जी। लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी मन है, इच्छा है, कुछ कह भी नहीं सकते। पर मेरा ये मानना है कि भारतीय बाज़ार में जब कच्चा तेल इतना सस्ता है, भारतवासी को इतने महंगे तेल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये जो सिर्फ तेल का रेट महंगा हो रहा है, ये अडानी और अंबानियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट पेट्रोल पंप खोलने की सरकार की पॉलिसी थी, परमिशन मिल गई जी। पिछले 10 सालों में सरकार ने सब्सिडी दी, डीजल पेट्रोल सस्ता दिया, अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप बंद हो गए। परंतु अब जब से सरकार ने मोर्चा संभाला है, जनता के ऊपर मार पड़ती जा रही है पेट्रोल डीजल की, और अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप फलते फूलते जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ NIT विधानसभा क्षेत्र के नीरज शर्मा जी, विधायक जी, तो जो कि बात कर रहे थे आम बजट को लेकर, और थोड़े ही दिनों में आम बजट हरियाणा का पेश होने जा रहा है, और आपकी आम बजट को लेकर हरियाणा में क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
आज मुझे दें इजाज़त, कैमरामैन सिमरन के साथ विशाल कौशिक, न्यूज़ NCR के लिए।